राज्य में पौर निर्वाचन विलंब प्रसंग में हाइकोर्ट क्षुब्ध। तीन वर्ष धरी काहीकि पौर निर्वाचन करार जवाब मागिंट कोर्ट। 4 सप्ताह मध्य जवाब दाखल करने को निर्देश देते कोर्ट। मुख्य निर्वाचन कमिशन मुख्य शासन सचिव को कारण दर्शा नोटिस जारी करपरि पंचायतीराज और नगर उन्नयन सचिव को नोटिस कर हाइकोर्ट। ए मामलार मामला परिचालना करुते वरिष्ठ आईनजीवी पीताम्बर आचार्य। पौर निर्वाचन विलंब नहीं जनस्वार्थ मामला रुजु होता कटकु पूर्वतन मंत्री समीर दे और पुरीर विधायक जयंत षडंगी करते जनस्वार्थ मामला। तीन वर्ष धरी राज्य पौर निर्वाचन नक एक विराट समस्या। निर्वाचन कमिशन भली गोटे संविधानिक संस्था राज्य सरकार चापरे संविधान सहित प्रतारणा करिवे ये कथा संपूर्ण अविश्वसनीय। आमे निर्वाचन कमिशन को ये जो आवेदनकारी माने अच्छा दरखास्त देले केते गुड़िए राजनीतिक दल तरफर मध्य अनुरोध करागला। राज्यपाल महोदय को अवगत करागला। मान्यवर राज्यपाल मध्य निर्वाचन कमिशन को तागिदा कले ये तीन वर्ष धरी संविधानिक विधि व्यवस्था को भंग करी राज्य रे निर्वाचन कहीं तेणु निर्वाचन कमिशन सुप्रीम कोर्ट राय अनुसार हाइकोर्ट को निजे आसीबा कथा रेट करने जदि सरकार तांकु सहयोग करूना बोली से भावुचंती आमे निर्वाचन कमिशन को जनईलु। जड़े आवेदनकारी समीर दे पूर्वतन मंत्री आउ जड़े आवेदनकारी होती पूर्वतन प्रशासक वरिष्ठ प्रशासक प्रसन्न मिश्र एवं तृतीय आवेदनकारी होती पुरी विधायक जयंत षडंगी। तीनोटी जाक रेट दरखास्तर आज एनालोगस हियरिंग होता मान्यवर मुख्य विचारपति डॉक्टर एस मुरलीधर एवं जस्टिस राउतराय इजलास रे। आज कोर्ट मुख्य निर्वाचन कमिशन राज्य निर्वाचन कमिशन मुख्य शासन सचिव पंचायतीराज विभाग सचिव एवं नगर उन्नयन विभाग सचिव को कैफत तलब कर 4 सप्ताह मध्य जवाब दाखल करने निर्देश देते।